नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कहते हैं जहां सच न चले वहां झूठ सही, जहां हक न मिले वहां लूट सही। बहुजन समाज पार्टी के अंदर और बाहर कितने भाजपा और कांग्रेस के स्लीपर सेल के व्यक्ति हैं, इसके बारे में आज खुलासा करने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात ये, सतीश चंद्र मिश्रा बहुजन समाज पार्टी में अगर हैं, महासचिव हैं, तो क्या करते हैं, क्या उनके परफॉर्मेंस के बारे में पूछना चाहिए, जानने की कोशिश करना चाहिए, या आप हमारे दर्शक ये कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस के स्लीपर सेल के एक वो भी मेंबर हो सकते हैं, ये हम अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, नगीना के सांसद हैं और धीरे धीरे बहन मायावती जी के नेतृत्व पे वो सवाल उठा रहे हैं, अपने भाषणों में सीधा हमला बोल रहे हैं बसपा के नेतृत्व के ऊपर। तो कहीं गोदी मीडिया, भाजपा, कांग्रेस के ट्रैप में तो वो नहीं आ गए कि पहले इनको उठाओ, सपोर्ट करो, मीडिया में कवरेज दो, जगह दो और उसके बाद बहन मायावती जी के खिलाफ दो शब्द बुलवाकर, पीठ ठोककर और उसके बाद जो है एससी एसटी समाज का वोट भी इन्हें लेने ना दिया जाए, सब पे काबू हो जाए, पूरे समाज को काबू करें। क्योंकि सर्वोच्च अदालत की जब फैसले आए, उस फैसले के बाद जब भारत बंद हुआ, उसका असर कुछ दिखा। और रही बात यह कि जो हरियाणा सरकार और बाकी जो कांग्रेस शासित सरकार है, यानी भाजपा और कांग्रेस के शासित सरकारों ने बहुजन समाज को बांटने की कोशिश की, स्लीपर सेल जो है उसमें तरह तरह के बयान दिए। और रही बात यह कि क्रीमी लेयर के नाम पर बहुजन समाज को अलग अलग करने की कोशिश की गई। वाल्मीकि समाज से बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी जो बहन मायावती जी के ऊपर हमलावर हुए, उनको लगा कि शायद क्रीमी लेयर के वजह से और इस जजमेंट के वजह से मुझे कुछ ज्यादा मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, बहन मायावती जी अथवा मान्यवर काशीराम जी कभी भी किसी एक जाति के बारे में बात नहीं की। बहुजन समाज का मतलब है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सबको लेकर चले और सबके लिए मिशन चलाया। राष्ट्रीय राजनीति को कवर करने के लिए बहन मायावती जी ने सर्व समाज का नाम लिया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कहा। उसका मूल कारण है कि अगर पूरे भारतवर्ष पर राज करना है, राष्ट्रीय स्तर पर आना है, तो सबको लेकर चलना होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपना भाई मानकर चलना होगा। अब सब है भाई भी। अब कल की बात बता दें, बहन मायावती जी ने अपने एक्स हैंडल पर शुभकामनाएं दी और शुभकामनाएं दी कि दीपावली और छठ पर्व के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी तरह हुआ ईद बकरीद के ऊपर भी देते हैं, हर समाज के ऊपर जो है शुभकामना वो देते हैं, क्योंकि वह राष्ट्रीय स्तर की नेता है। अगर आप उनमें कुछ घटियापन ढूंढ रहे हैं, कुछ ओछी राजनीति ढूंढ रहे हैं, ये बहन जी के बस की नहीं है। बहन मायावती जी, मान्यवर काशीराम एक बड़े स्तर के नेता रहे हैं, सबको लेकर चलने वाले रहे हैं, उनसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं वो केवल जाटव की ही बात करें, केवल चमारों की बात करें अथवा मुसहर की बात करें, वाल्मीकि की बात करें केवल। यानी समाज को बांट बांट के वो नहीं चलते, सबको एक साथ लेकर चलते हैं। लेकिन कुछ लोगों को मौका मिल गया है, अब जातिगत हमले करते हैं कि मेरे जाति के लिए आपने क्या किया। जाहिर सी बात है, बहुजन समाज में सब आते हैं तो सबको लेकर वो चले। अब किसी खास जाति के ऊपर ना ज्यादा अटेंशन दिया ना इग्नोर किया। रही बात ये, चंद्रशेखर आजाद का जो वीडियो वायरल हो रहा है, लोग ये बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद बहन मायावती जी के ऊपर हमलावर हुए, उनको खरी खोटी सुनाई। उन्होंने ये कहा कि अगर बसपा का बुरा दिन है तो ये उनके नेतृत्व के ऊपर सवाल उठता है, बहन मायावती जी कमजोर हुई है,
बसपा नहीं, बसपा तो एक मिशन है। और बहन मायावती जी का अगर आप विरोध करते हैं तो एससी एसटी समाज आपको माफ नहीं करेगा। ये स्ट्रेटजी, ये तौर तरीका गोदी मीडिया का, भाजपा का और कांग्रेस का है, जिस ट्रैप में चंद्रशेखर आजाद फंस चुके हैं, वो अपनी जुबान खाली कर चुके हैं। और एससी एसटी समाज का, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध तो झेलना पड़ेगा। अब मैं आता हूं स्लीपर सेल के ऊपर, जो बसपा के अंदर भी है और बसपा के बाहर भी है। बसपा के अंदर सतीश चंद्र मिश्रा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। वो महासचिव हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए कितना फायदेमंद है यह भी सोचना होगा। राजनीतिक रूप से कितना वोट दिला पाते हैं, क्या विधायकों की संख्या बढ़वाने में वो सक्षम है? बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है क्या? वो दलित बस्ती में घूम घूम कर लोगों को मोटिवेट करते हैं, प्रचार करते हैं, बसपा से जोड़ते हैं? अथवा वो अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट का और बसपा के नजदीकी है, महासचिव है, इसलिए उनको बोझा बनाकर सिर पर लेकर चला जाए? ये सवाल है हमें अपने दर्शकों से कि क्या करना चाहिए। दूसरी बात ये, क्या वे लड़के, वे कार्यकर्ता जो समाज के बीच घूमते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, उन्हें मौका भी देना चाहिए? बहुत सारे पिछली टर्म में 10 सांसद हुए थे बसपा के, 10 के 10 आज के तारीख में किसी अन्य पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं। मैं आपको बता दूं, कल परसों ही देखा जो मलुक नागर जी हैं आरएलडी के प्रवक्ता बने हुए हैं। और रही बात ये कि और भी नेता, जैसे कि और भी कई नेता हैं जो कांग्रेस में चले गए, वहां ज्वाइन कर लिया, क्या वो कांग्रेस और भाजपा के स्लीपर सेल का एक हिस्सा हुआ करते थे? जो लोग समाजवादी पार्टी में जुड़े हैं और बसपा से पहले निकलकर और समाजवादी पार्टी में जुड़े हैं, वह भी भाजपा और कांग्रेस के स्लीपर सेल के ही नेता हैं। मैं आपको बता दूं, अगर समाजवादी पार्टी से जुड़कर अथवा हटकर और बसपा से हटकर जो सनातन के ऊपर हमला बोलते हैं, जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं, दरअसल वो खिलाफ है नहीं, वो भाजपा और कांग्रेस के स्लीपर सेल के एक सदस्य है जो बिल्कुल अपॉइंट किए गए हैं, तुम्हें बरगलाना है, हंगामा मचाना है, लोगों को गुमराह करना है, ताकि बहुजन समाज और सर्व समाज एक जगह आ जाएगी तो बहन मायावती जी सत्ता में आ जाएंगी, क्योंकि बहन मायावती जी सबको लेकर चलती हैं और बहुजन समाज के हक के लिए वो लड़ती हैं, सबको लेकर चलती हैं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता DS4 से निकले हुए एक मिशनरी कार्यकर्ता होते हैं, इनके पास संगठन है, नीला झंडा है, नीला गमछा है, पूरा नीला दिखता है, उस नीला के रंग में भंग करने के लिए बहुजन समाज से ही कुछ लोगों को चुन लिए जाते हैं जो ध्रुवीकरण करने के लिए हमलावर होते हैं, और हमला करके बहुजन समाज पार्टी का जो सर्व समाज वाला अभियान है, जो बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं, नीचे कार्यकर्ता काम करते हैं, वो बड़े बड़े स्टेटमेंट देकर अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा देते हैं, इसी चीज को खत्म करने के लिए अक्सर ये कहा जाता है आप जातिगत बयान दो, आप अपने समाज को लेकर चलो ताकि आप छोटा दिखो। जाहिर सी बात है बहन मायावती जी के ऊपर जो हमले होते हैं, आपको छोटा क्यों नहीं दिखती? आप केवल जाटक, चमार, वाल्मीकि, पासी, इसी की बात क्यों नहीं करती? आप बृहद बात करती हैं, आप पूरे राष्ट्र के लोगों के बात करती हैं, आप राष्ट्रीय स्तर की दिखने लग जाती हैं। यह हमें तकलीफ है, लोगों को इस बात का बहुत तकलीफ होता है कि आप राष्ट्रीय स्तर का क्यों दिखती हैं, आप जातियों में सिमट कर क्यों नहीं रहती है? ऊपर से भाजपा और कांग्रेस के स्लीपर सेल के नेता जब चुनाव आता है तो अपने मातहत गिने चुने ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाते हैं जो जाके चुनाव हार जाए, जो भाजपा और कांग्रेस को फायदा पहुंचाए। इन स्लीपर सेल के लोगों को पहचानना होगा,
बसपा से बाहर करना होगा, बसपा से दूरी बनानी होगी। और बसपा के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बार बार यह बयान देना होगा कि ये लोग जो धार्मिक प्रवचन कर रहे हैं, खास करके भाजपा के नहीं, खास करके गैर भाजपाई लोग जो हिंदू देवी देवता के ऊपर हमला करते हैं, ब्राह्मण समाज सर्व समाज के ऊपर हमला करते हैं, ये बसपा को नुकसान पहुंचाने वाले भाजपा और कांग्रेस के स्लीपर सेल के व्यक्ति हैं, जो सर्व समाज वाला जो इनका स्ट्रेटजी है, जो तौर तरीका है, उसमें नुकसान हो। क्योंकि बहुजन समाज के जो एससी एसटी वोट तो इन्हें मिल ही जाएंगे, सर्व समाज का वोट इन्हें क्यों मिले? ये जातीय नेता क्यों नहीं चिन्हित हो? ये राष्ट्रीय स्तर के नेता क्यों बनने लगती हैं? जब जब बसपा के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि बहन मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, बसपा को केंद्र की सत्ता मिलनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी अपना मुख्यमंत्री नियुक्त करें अथवा खुद बने, तो बाकी लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। वो साबित करने की कोशिश करती है कि ये जातीय नेता है, किसी खास जाति के हैं। और फिर ये आवाज उठता है, इन्होंने तो ये भी कहा था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ताकि ये और डिफेम हो। ये कोई और नहीं बोलता, ये भाजपा कांग्रेस के स्लीपर सेल के लोग बसपा को कमजोर करने के लिए बोलते हैं। जबकि बसपा का आप देख लें, बहन मायावती जी का एक्स हैंडल पर जाकर देख लें, उन्होंने दीपावली के ऊपर शुभकामनाएं दी, दीपदान के ऊपर अगर शुभकामनाएं दी, तो उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के उन छठ व्रतियों को भी शुभकामनाएं दी, उन्होंने ईद और बकरीद को भी नहीं छोड़ा। इसका मतलब यह है कि बहन मायावती जी राष्ट्रीय स्तर की नेता है, और उनके ऊपर हमला करके सीधे एससी एसटी समाज के ऊपर हमला किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।